हेलो वेलकम टू सुब्रमणि डॉट कॉम आज मैं आपसे चक्रवृद्धि ब्याज ये जो होती है जो हमने सुना हुआ है स्कूल में जो हम सातवीं में पढ़ें और आठवीं में भूलें उसके बारे में बात करना चाहता हूँ आपने टाइटल शीर्षक तो देखा ही होगा कि आपके घर में एक हज़ार करोड़ आपके बच्चे के लिए बन सकता है ये कैसे बनेगा यही हम अब देखने वाले हैं अच्छा अगर आप महीने का तीस हज़ार रुपये का एस आई पी कर सकते हैं डरी मत तीस हज़ार नहीं कर सकते हैं तीन हज़ार कर सकते हैं तो तीन हज़ार से भी शुरुआत हो सकती है तो हम ये मानते हैं कि आप तीस हज़ार का एस आई पी कर सकते हैं और उसको हर साल दस परसेंट बढ़ा दें दस प्रतिशत बढ़ा दें तो अगले साल होगा तैंतीस हज़ार फिर होगा छत्तीस हज़ार तीन तीन हज़ार रुपये से बढ़ता जाएगा उसका भी कंपाउंडिंग होगा तो थोड़ा तीन हज़ार से नहीं तीन हज़ार तीन सौ से बढ़ेगा आप समझ रहे हैं ना तो ये होगा कि आपने दस दस चक्के से बढ़ा दिया हर साल और पच्चीस साल की उम्र में जब आपका बच्चा पच्चीस साल का हो जाएगा ये मानता हूँ आज के वो बच्चा दो तीन साल का है पाँच साल से कम है मतलब बीस साल का कंपाउंडिंग आपने तीस हज़ार रुपये का एस आई पी किया और बीस साल का कंपाउंडिंग किया अब आपका बच्चा हो गया पच्चीस साल का तब आपने बच्चे से कहा अरे बच्चा ये तेरे लिए है और इसको इसमें और आप तीन लाख रुपया हर मही हर मही, साल डालते जाओ हर साल डालते जाओ मतलब महीने का पच्चीस तीस हज़ार रुपया आप डालते जाओ अभी वो तीन लाख डाले चार लाख डाले पाँच लाख डाले बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बीस साल आप डाल चुके हैं अब ये रकम कितनी होगी जब वो बच्चा अभी बड़ा बड़ा हो गया पैंसठ साल सत्तर साल का हो गया अब तो पैंसठ साल में उसके पास कितना होगा अगर बारह टक्का ब्याज मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज जो हम कहते हैं वो मिलता है तो ये करीबन एक हज़ार करोड़ के पास हो जाएगा अब हमारी सर में गुस्सा ही नहीं है कि हमारे घर में भी एक करोड़ होगा बट समझने की बात यह है कि आज नहीं साठ साल बाद आप साठ साल पहले आप किसी से कहते कि मेरे घर में एक करोड़ रुपया होगा वो आप हंसते बोलते कौन तू टाटा बिरला होने आया क्या तुझे ठीक है हमारे घर में कंपाउंडिंग की उतनी समझ नहीं है चक्रवृद्धि ब्याज हम स्कूल में पढ़ते हैं हम बहुत पढ़े लिखे हैं हमने गणित में पीएचडी भी कर ली है लेकिन उसका जो उपयोग है वो हम समझे नहीं ठीक से हमको समझाया नहीं गया और हम समझने की कोशिश भी नहीं करें ठीक है तो आप सोचिए आपने इतना एस किया और एस को आपने बढ़ावा दिया और दस दस चक्का बढ़ाया और आपने किया तो इसमें आपको और उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आप आपके बच्चे को समझाएं कि इस रकम को हाथ मत लगाओ हाथ मत लगाओ सिखाना मुश्किल है पैसे में अगर अगर आपका बच्चा अगर इसमें मान लीजिए 45-50 साल के बाद कुछ डालता भी नहीं है तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन अगर उसमें से निकालता है तो बहुत फ़र्क पड़ेगा तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप बच्चे को समझाएं कि इसको छुओ नहीं अब आपको मैं एक उदाहरण समझाता हूँ आपने आम खाया और उस गुटली को फेंक दिया ठीक है या तो आपने ये किया कि आप उस गुटली को गुटली को पेड़ बना दिया मतलब आपने ज़मीन में गाड़ दी उसमें पानी डाला थोड़ा खत डाला और वो बड़ा हो गया चार पाँच साल तो आप राह देखते हो कुछ नहीं होता है फिर पाँच साल सात साल के बाद उसमें फल आने लगते हैं सही बात है तो अब ये फल आता है तो आप उसको आप फिर आपको कुछ करना नहीं पड़ता है वो पानी भी अपने आप सींच लेता है ज़मीन से आपको पानी भी नहीं देना पड़ता है हाँ ये बहुत ज़रूरी है आप पेड़ न काटें अब एक आध आप आम ले लें साल का पाँच सौ हज़ार आम आप ले लें वो कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई दिक्कत नहीं है वैसे भी नहीं तो सड़ जाएगी तो आप आम ले लें लेकिन पेड़ को नहीं काटे ये जो कंपाउंडिंग की जब मैं बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं मैं आपसे ये कह रहा हूँ आप उसमें से आप फल निकालेंगे ही नहीं मतलब वहीं पर वो बढ़ता रहेगा वो ग्रोथ ऑप्शन में होगा मतलब डिविडेंड भी नहीं मिलेगा आपके बच्चे को आपको एक ही चीज़ सिखाना है इसको छुओ मत बिल्कुल मत छुओ ये पेड़ आपको आम देता रहेगा और जब आप 60-70 साल के हो जाओगे उसमें से थोड़ा निकालना और थोड़ा अपने बच्चे से कह देना कि तो आगे की पीढ़ी के लिए ले जा तब आपका बच्चा पचास का होगा या तो आपके पोते को कह दिए वो बीस पच्चीस का होगा समझ रहे हैं अभी आप समझिए आज कुमार मंगलम बिरला जो कम बिरला ग्रुप चला रहे हैं बहुत बड़ी ग्रुप है बराबर है पचास हज़ार साठ हज़ार करोड़ का कहीं नहीं गया उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन उससे ज़्यादा हो सकती है तो आप समझिए उसमें क्या हुआ है जी डी बिरला ग्रुप में 170 साल पहले राइट right? 170 साल पहले किसी को चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पता था तो 170 साल का कंपाउंडिंग है ये जब बिरला जी ने हिंडाल को स्टार्ट किया वो ये नहीं सोचे कि मैं तो मर जाऊँगा मुझे क्या ज़रूरत है ये करने की उन्होंने शुरुआत की फिर उनके बेटे ने संभाला, फिर उनके पोते ने संभाला जो आदित्य बिरला हैं उन्होंने संभाला फिर उनके बाद कुमार मंगलम बिरला संभाल रहे हैं और उनके बाद उनका बेटा संभालेगा या शायद उनका भी उनका पोता संभालेगा और ये फ़र्क नहीं पड़ता है उनका बेटा है बेटी है संभालता है नहीं संभालता है क्योंकि ये कंपनी है हिंडालको इंडस्ट्रीज राइट वो कंपनी तो परमानेंट है तो जब आप बिज़नेस करते हो आप आई की बिज़नेस भी करते हो तो आपको ये सोचना है मेरा जो बिज़नेस है वो परमानेंट है मैं टेम्प्ररी हूँ तो ये समझ के जब आप करोगे तो आपको पता है कि मुझे कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड करना है या जो भी करना है एलएलपी करना है ताकि कंपनी परमानेंट रहे मैं टेम्पररी हूँ तो ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो आपके ए में भी लागू होगा आपके ट्रेल में भी लागू होगा और आपकी बिजनेस परमानेंट रहेगी ये मत सोचिए मैं साठ साल का हो गया अब क्या करना है मैं सत्तर साल का हो गया फ़र्क नहीं पड़ता आप चले जाओगे कंपनी रहेगी इंडाल है जी डी बिरला साहब चले गए आदित्य बिरला साहब चले गए कुमार बिरला कुमार मंगलम बिरला साहब भी एक दिन चले जाएंगे 20 तीस चालीस पचास साल के बाद फिर भी कंपनी अमर रहेगी दैट इज़ इम्पॉर्टेंट चक्रवर्ती व्या, चक्रवृद्धि ब्याज में आपको ये समझना है ये पैसा जो मैं जोड़ रहा हूँ वो मेरे लिए नहीं है मेरे पीढ़ियों के लिए है हाँ थोड़ा बहुत निकाल लेंगे उससे फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन पेड़ नहीं काटना है ऐसे में आपके घर में भी एक हज़ार करोड़ हो सकता है आपको ये तीन चीज़ ध्यान में रखना है आपके घर में अगर कोई बच्चा पाँच साल से कम उम्र का है उसके नाम पे आप तीस हज़ार रुपये का एस कीजिए तीस हज़ार रुपये का एस कीजिए पच्चीस साल के लिए मतलब बीस साल का कंपाउंडिंग जब वो बच्चा पच्चीस साल का हो जाएगा बच्चे को दे दीजिए बोला अभी तो कमा रहा है इसमें सालाना जमा कर ले पैसा अच्छा आपके पास तीस हज़ार डालने की शक्ति नहीं है क्षमता नहीं है हर महीना कोई बात नहीं आप तीन हज़ार से शुरुआत कीजिए बाद में बढ़ा सकते हैं या तो आपके घर में 100 करोड़ होगा वो भी कोई बुरी बात तो नहीं है कम से कम चक्रवृद्धि ब्याज समझ रहे हो इसकी कोई प्रमाण होगी आपके घर में कि चलो आपने भी बिरला जी जैसा काम किया